हाँ हाँ अम्मा ठीक है, चल बा। ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार तुम्हें मैंने मना किया है हाँ कि मेरे बच्चों को हाथ मत लगाया करो। क्यों हाथ लगाती हो? अगर गिर जाता, चोट लग जाती तो? मानी बस मैं इसको प्यार करती हूँ। बाज आए हम तुम लोगों के प्यार से भाई, कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चों को हाथ लगाने की। हाँ गलती हो गई है, क्योंकि हमें अब पता चला हर कोई प्यार के लायक नहीं होता। लेकिन किरण एक बात याद रखना, अहद और कशफ हमारा खून है, तुम इन्हें हमसे अलग नहीं कर सकती। ये गुड़िया के बहन भाई और गुड़िया इनके साथ खेलेगी समझ आइए? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, चलो जाओ यहाँ से। और तुम्हें क्या जरूरत है इनके साथ खेलने की? तुम्हें पता है ये भी बड़े होकर अपनी माँ की तरह बदतमीजी बनेंगे। अच्छा तो फिर तुम अपने बच्चों को लेकर अपने घर क्यों नहीं चली जाती? मत रहो यहाँ। हाँ हाँ चले जाएंगे, बहुत जल्द चले जाएंगे, समझ आई तुम्हें? बहुत जल्द, बड़ा बेसब्री से इंतजार है मुझे इस बहुत जल्द का। जाओ यहाँ से। हाँ बड़ी आई। किरण इतनी बदलेहास हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज उसने मुझे इतनी बातें सुनाई है, सर बाप के बच्चे गुड़िया के बहन भाई है, गुड़िया का पूरा हक है उन पर। गुड़िया को क्या कह रही हो तुम? वो तो अपने बच्चों से हमें भी नहीं मिलने देती। जब भी मिलने का कहो तो कभी कहती है नहा रहे हैं, कभी कहती है खाना खा रहे हैं, कभी कहती है सो रहे हैं। हर बात का जवाब है उसके पास। अम्मी गुड़िया सारे दिन कमरे में रह रहे के बोर हो जाती है, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। अरे छोड़ो बेटा, तुम अपना दिल छोटा ना करो। ऐसा करो कि अपने घर चली जाओ, गुड़िया भी खुश हो जाएगी। मैं एक दो दिन में यावर से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो।